नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। आज बात किसान और किसानी की, अन्नदाता जिसे हम कहते हैं, और शब्दों में हमारे देश के नेता किसान और किसानी के लिए क्या क्या नहीं कहते हैं, लेकिन क्या उन शब्दों को चरितार्थ किया जाता है। हकीकत में क्या आज की तारीख में किसान की स्थिति है, ये किसी से छिपी हुई है क्या? भारत सरकार या किसी राज्य सरकार का तृतीय या चौथे वर्ग का भी कर्मचारी जिस तरह से अपना जीवन जीता है, अपने बच्चों के लिए भविष्य गढ़ता है, क्या कोई एक एवरेज औसत खेती वाला किसान ऐसा कर पाता है? और इस प्रश्न का जवाब अगर ना में है तो फिर जाहिर है कि इस कृषि प्रधान देश में किसानों को गुस्सा आएगा और अपनी मांग, अपनी हक के लिए वो सड़कों पर आएंगे। मैं उन आंदोलनों की बात नहीं कर रहा जो राजनीतिक रूप से प्रेरित होते हैं, लेकिन हर आंदोलन को राजनीतिक रूप से प्रेरित आंदोलन कहकर मूल समस्याओं की तरफ न देखा जाए, ये भी उचित नहीं है। पिछले दिनों MS स्वामीनाथन को एक ऐसा सम्मान दिया गया है जो भारत में बिरले लोगों को मिला है, मात्र 70-75 लोगों को। इतने बड़े कृषि वैज्ञानिक थे MS स्वामीनाथन। उन्होंने किसानों की फसल में क्या होना चाहिए, जो अदायगी कीमत, उसका फॉर्मूला वो उन्होंने तय किया था, और बहुत सिंपल फॉर्मूला था, लागत और उसके साथ 50%, यानी कि C2+50% का एक फॉर्मूला उन्होंने तय किया था। जो लागत लगती है उसका उसमें 50% जोड़िए और वही किसान को दीजिए, क्योंकि ये जरूरी है अगर किसानी हमारे देश में खुशहाल रहनी है। और सबों ने इसको माना है, सरकारों ने माना है इसको, चाहे वो मौजूदा सरकार हो या पूर्व की सरकारें हो, लेकिन आज तक लागू नहीं हो पाया है। और नाराजगी है किसानों में, इस बात की नाराजगी है। एक और मांग है जो लोगों को आंदोलित करती है, और वो ये है कि जब आप न्यूनतम मूल्य का निर्धारण करते हैं और हर बार करते हैं, और सरकार के मंचों से घोषणा होती है कि MSP बढ़ा दी गई है, और गेहूं के लिए इतना, धान के लिए इतना, दाल तिलहन दलहन इतना, तो उस वक्त इस बात का आंकड़ा नहीं दिया जाता है कि जो प्रोक्योरमेंट है, जो खरीद है, वो कितने प्रतिशत पैदावार की खरीद जो है वो MSP के अनुसार हो रही है। आप तय तो कर देते हैं कैबिनेट की बैठकों में, लेकिन खरीद होती है या नहीं होती है, और अगर होती है तो वो किन क्षेत्रों में होती है, वो कितने बड़े क्षेत्र हैं, और जहां नहीं होती है वो कितने बड़े क्षेत्र हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो उत्तर भारत है, खासतौर पर हरियाणा पंजाब, इन सब इलाकों में तो MSP के अनुसार खरीद होती है, लेकिन बहुसंख्यक किसान इस देश में जहां पर MSP के अनुसार कभी कोई खरीद नहीं होती है, और जो बाजार भाव तय करता है, और कई दफे किसान अपनी मजबूरी में बेचता है मंडियों में, और वहीं से जो बिचौलिया होता है वो फायदा उठाता है, कम कीमतों पर खरीद कर, काला बाजारी करके, और फिर वो किसानों को एक तरह से यूं कहें कि दोयम दर्जे का इंसान बनाने में अपनी भूमिका निभाता है। सरकार ने इस व्यवस्था को भी अभी तक सुदृढ़ नहीं किया है, लिहाजा किसान फिर से सड़कों पर उतर रहा है। 13 तारीख तय की गई है। केंद्र सरकार ने, जब पिछली दफा किसान आंदोलन हुआ था 2022 में खत्म हुआ था, साल भर चला था आपको याद होगा, उस वक्त कुछ वादे किए थे, जो फसलों की मूल्य निर्धारण और स्वामीनाथन आयोग के सिफारिशों के अनुसार उसे किया जाना, MSP अनिवार्य रूप से सभी फसलों के लिए लागू हो और उसके लिए कानून बन जाए, ताकि कोई भी प्रोक्योरमेंट जो हो वो MSP के अनुसार ही हो। ये तमाम चीजें आज तक हो नहीं पाई। और भी कई मांग थे जो कि उस स्थिति में मान ली गई थी, क्योंकि उस वक्त खत्म किया जाना था आंदोलन। सामने उत्तर प्रदेश के चुनाव थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा भूभाग था,
जो आंदोलन में रत था। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान खुश है, चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा, उन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है। लेकिन क्या इतना ही काफी है? इतने से काम चल जाएगा? पंजाब और हरियाणा, इन जगहों से किसान दिल्ली कूच करने के लिए तैयार हैं, और इस बार भी वो उसी तैयारी के साथ आना चाहते हैं, ट्रैक्टरों में अनाज भरकर महीनों अपने आंदोलन को खड़ा करने की गरज से। वो चाहते हैं कि फिर दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा जाए और तय किया जाए। ऐसे में जबकि चुनाव सामने हैं, और कई दफे ऐसा होता है कि सरकारें वो बातें मान लेती हैं चुनाव के वक्त जो पहले नहीं माने जाते हैं। किसान को आखिर सड़कों पर उतरना क्यों पड़ता है, और जिस तरह से पुलिस के डंडे उन पर चलते हैं, क्या वो जायज है? बहुत से ऐसे मामले हैं जो अभी भी किसानों पर दर्ज हैं, वो उठाए नहीं गए हैं, उनको उठवाने की भी मांग है। लखीमपुर खीरी में जो घटना घटी थी, उसमें दोषियों को कितना सजा मिला, वो तमाम बातें इस बार की मांगों में हैं। लेकिन सबसे बड़ी मांग तो यही है कि अगर किसानी को खुशहाल और जीवित रखना है, तो फिर किसान को मुआवजे के तौर पर क्या मिलना चाहिए? फसलों की मुआवजे के तौर पर वो पैदावार करे तो कैसे करे? लेकिन दूसरी तरफ जो सरकारों का रिस्पॉन्स रहा है, वो बहुत ही ज्यादा मददगार रहा हो आंदोलन को खत्म करवाने में, ऐसा नहीं रहा है। जब पिछली दफा भी आंदोलन हुआ तो शुरुआत में माना ही नहीं गया कि वो जो तीन कानून बनाए गए थे, वो तीन कानून दरअसल उचित नहीं थे। उन कानूनों को हटाने में और यह समझने में कि वो तीन कानून किसान विरोध करते हैं, उसका सरकार को साल भर लग गए। और उस वक्त जो वादे किए गए थे किसानों से, अगर वो पूरे हो जाते तो फिर ये 13 फरवरी की तारीख नहीं आती। लेकिन उन वादों को पूरा करने के बजाय आखिरकार सरकारें रोकना क्यों चाहती हैं आंदोलन? जगह जगह पर हरियाणा और खासतौर पर जो बॉर्डर के इलाके हैं दिल्ली के, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, चाहे वो टीकरी बॉर्डर हो, झरोदा बॉर्डर हो, हर जगह तैयारियां हैं कंक्रीट की, और टायरें फट जाएं ऐसे वाले कील लगाए जा रहे हैं। पुलिस मुनादी करा रही है कि कोई भी व्यक्ति आंदोलन में न जाए, वरना वाहन जब्त कर लिए जाएंगे। इन सबों की जरूरत क्यों पड़ती है? सरकारें बात क्यों नहीं कर लेती हैं समय से, और आंदोलनों को इस तरह से सामने आने क्यों देती हैं? बातें हो रही हैं और संभव है कि वो बात सफल हो जाए, लेकिन अगर सफल नहीं होती है तो इसका अर्थ ये नहीं कि किसानों की जो मांग है वो गैर वाजिब है। मांग वाजिब है और हमेशा नेगोशिएशन की गुंजाइश होती है। और मानकर चलिए कि आज की तारीख में किसानों की जो स्थिति है, वो इस हिसाब से आंकिए कि आज से 50-60-70 साल पहले जब देश आजाद हुआ था, तो आपने कहानियां सुनी होगी कि इतने गेहूं का इतना सोना मिल जाया करता था। आज की तारीख में आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना गेहूं एक तोले सोने के लिए लग जाएगा। अगर सोने की कीमत ऐसे बढ़ सकती है, तो फिर गेहूं की कीमत क्यों नहीं बढ़ती है? और ये दलील कैसी कि अगर गेहूं की कीमत बढ़ा देंगे तो आम आदमी परेशान हो जाएगा? सरकारें क्यों हैं? सब्सिडी से बचना अगर है तो फिर क्रय शक्ति लोगों की बढ़ाई जाए, लेकिन किसानों को ये न कहा जाए कि आप वो स्थिति में ही रहिए जिन स्थिति में आपको अभी तक हमने रखा है। और यहां ये आंदोलन करने की स्थिति में तो वो लोग हैं जो अच्छे खाते पीते किसान हैं, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आप पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इनके किसानों की भी तो बात करिए। और इनके किसानों इन जगहों पे MSP से अनाज बेचना, ये तो दुःस्वप्न की तरह है। कहाँ होता है ऐसा? बिहार में तो इसकी व्यवस्था ही नहीं है कि आदमी कोई MSP की मांग करे। तो ऐसे में पैदावार के लिए भारत के एक भूभाग में ज्यादा पैसे मिले, एक भूभाग में कम पैसे मिले, ये कहाँ का न्याय है? और इन सबों को सही करने की जरूरत है। जरूरत आंदोलन को रोकने की नहीं, जरूरत इस बात की है कि आंदोलनों के मर्म को समझा जाए और किसानों की समस्याओं को दूर किया जाए। ये मानना भी वाजिब होगा कि
किसानों के वेश में कई दफे आंदोलनकारी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भी आगे आ जाते हैं। कई दफे राजनीतिक दल इन आंदोलनों का समर्थन करते हैं और फाइनेंस भी करते हैं, पर इन सब बातों के लिए सरकारें हैं और वो तय करें कि जो साजिश का एंगल है वो किसानों के आंदोलन से बाहर करें और ये समझे बात को कि किसान बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा, बहुत समझदार और तकनीकी बातों को समझने वाली कौम नहीं है। वो बड़े सीधे तौर पर दिन भर मेहनत करके वो काम करना जानता है जो बहुत ज्यादा लोग इस देश में करना चाहते नहीं है, और ऐसे में अगर वो समस्याओं में रहेगा तो जाहिर है देश समस्याओं में रहेगा। देश चुनाव की तरफ बढ़ रहा है, उम्मीद यही कि सरकारें किसानों की सुनेंगी, और जाहिर है जो आंदोलन का रूप हमने 2021 और 22 में देखा था शायद वैसी स्थिति इस बार नहीं होगी। कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें बताइएगा, क्योंकि इस आंदोलन के संदर्भ में आपको हम जो नई बातें हैं वो बताते रहेंगे। आप खबरों के लिए हमारे साथ इसी तरह से लगातार जुड़े रहिए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।